हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडवांस वर्ब ऑफ टू बी के प्रेजेंट टेंस के बारे में। जी हां दोस्तों, जैसे कि बेसिक वर्ब ऑफ टू बी होता है जिसमें हम लोग इज एम आर, वाज वर, विल बी या शैल बी, इस तरह के स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं डॉक्टर हूं, सो आई एम डॉक्टर। मैं डॉक्टर था, आई वॉज डॉक्टर। मैं डॉक्टर होगा, आई शैल बी अ डॉक्टर। तुम ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट। तुम ईमानदार थे, यू वर ऑनेस्ट। तुम ईमानदार होंगे, सो यू विल बी ऑनेस्ट। राम खेत में है, सो राम इज इन द फार्म। राम खेत में था, राम वॉज इन द फार्म। राम खेत में होगा, सो राम विल बी इन द फार्म। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, सो नरेंद्र मोदी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री थे, सो नरेंद्र मोदी वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री होंगे, सो नरेंद्र मोदी विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऐसे हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देख चुके हैं एडवांस वर्ब ऑफ टू बी में, ठीक है ना, सॉरी वर्ब ऑफ टू बी में। आज मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एडवांस वर्ब ऑफ टू बी के प्रेजेंट टेंस के बारे में। दोस्तों इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जितने भी आप लोगों को वर्ड दिख रहे हैं इसमें मैं सेपरेट वीडियोस बना चुका हूं, मतलब शुड बी का एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, मस्ट बी का एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, ऑट टू बी का एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, कैन बी का, कुड बी का, मे बी का, माइट बी का, सबका सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। अगर आप इस हर एक एडवांस वर्ब ऑफ टू बी को देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो में जाइए। 15-15, 20-20 मिनट तक मैंने इन वर्ड्स को, मैंने इन स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करने की कोशिश की, बहुत क्लैरिफाई करने की कोशिश की हुई है। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इन वीडियो के लिंक पर जाइए, मतलब प्रीवियस वीडियोज में मैंने इन एडवांस वर्ब ऑफ टू बी के बारे में बात की है, उन्हें वहां पर जाइए, उन्हें देखिए डिटेल में। 15-15 मिनट तक एक एक एडवांस वर्ब ऑफ टू बी को समझाया हुआ है, लेकिन अगर आप शॉर्ट में एक ही बार में पूरा समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए, इसमें पूरी चीजें आपकी क्लियर हो जाने वाली है। अब देखिए एडवांस वर्ब ऑफ टू बी में मैंने कहा प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि ये शुड बी प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि इसका भी पास्ट होता है, मस्ट बी इसका भी पास्ट होता है, ऑट टू बी इसका भी पास्ट होता है, कैन बी इसका भी पास्ट होता है, कुड बी इसका भी पास्ट होता है, मे बी इसका भी पास्ट होता है, और माइट भी इसका भी पास्ट होता है, मतलब ये सब प्रेजेंट टेंस में है। तो मैंने एडवांस वर्ब ऑफ टू बी में जितने प्रेजेंट टेंस में स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, आज इस वीडियो में उसे ही समझाने वाला हूं। अगर आप इन्हें सीखना चाहते हैं तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरु जी। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे शुड बी। अब देखिए शुड बी ये एडवांस टू बी, अब टू बी का मतलब क्या होता है, कर्ता का कुछ होना या कहीं होना, कर्ता का कुछ होना या कहीं होना, और इसमें हम लोग मेन वर्ब का यूज नहीं करते। हां मेन वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन पूरा टू बी का जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम मेन वर्ब जोड़ सकते हैं। जैसे अब इसकी मैं बात करूं, सब्जेक्ट शुड बी देन ऑब्जेक्ट, कर्ता का कुछ होना चाहिए या कहीं, कर्ता कुछ होना चाहिए कहीं होना चाहिए। जैसे मुझे डॉक्टर होना चाहिए, अब इसकी आइडेंटिफिकेशन है होना चाहिए, मुझे डॉक्टर होना चाहिए, तुम्हें इंजीनियर होना चाहिए, हमें वेजिटेबल सेलर होना चाहिए, तुम्हें सिंसियर होना चाहिए, हमें ईमानदार होना चाहिए, उसे तुम्हारा दोस्त होना चाहिए, मुझे तुम्हारा टीचर होना चाहिए, आपको मेरा स्टूडेंट होना चाहिए, उसे खेत में होना चाहिए, हमें हॉस्पिटल में होना चाहिए, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब पर होना चाहिए, मुझे सिस्टमेटिक होना चाहिए, आपको टीचर होना चाहिए, उसे कॉलेज में प्रोफेसर होना चाहिए, आपको सक्सेसफुल होना चाहिए। जब होना चाहिए वाला सेंस आता है तो हम लोग शुड बी एडवांस वर्ब ऑफ टू बी में यूज करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मुझे डॉक्टर होना चाहिए, सो आई शुड बी अ डॉक्टर। राम को इंजीनियर होना चाहिए, सो राम शुड बी एन इंजीनियर। आपको ईमानदार होना चाहिए, सो यू शुड बी ऑनेस्ट। मुझे आपका फ्रेंड होना चाहिए, सो आई शुड बी योर फ्रेंड। आपको अमीर होना चाहिए, सो यू शुड बी रिच। उन्हें गरीब होना चाहिए, दे शुड बी प्योर। आपको मेरा सपोर्टर होना चाहिए, सो यू शुड बी माई सपोर्टर। मुझे आपका हेल्पर होना चाहिए, सो आई शुड बी योर हेल्पर। उन्हें टैलेंटेड होना चाहिए, दे शुड बी टैलेंटेड। उन्हें मेरा पीए होना चाहिए, पीए मतलब पर्सनल असिस्टेंट, सो दे शुड बी माय पीए, या ही शुड बी माय पीए। उसे मेरा पीए होना चाहिए, तो ही शुड बी माय पीए। नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री फिर से होना चाहिए, सो नरेंद्र मोदी शुड बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वंस अगेन, एक बार फिर, है ना। सो नरेंद्र मोदी शुड बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वंस अगेन। आपको एक फेमस यूट्यूबर होना चाहिए, सो यू शुड बी अ फेमस यूट्यूबर। हमें फ्रेंड्स होना चाहिए, सो वी शुड बी फ्रेंड्स। हमें हॉस्पिटल में होना चाहिए, सो वी शुड बी इन द हॉस्पिटल। राम को इंदौर में होना चाहिए, सो राम शुड बी इन इंदौर। हमें ऑफिस में होना चाहिए, सो वी शुड बी इन ऑफिस। उन्हें रूम में होना चाहिए, सो दे शुड बी इन द रूम। मुझे गवर्नमेंट जॉब पर होना चाहिए, सो आई शुड बी ऑन द गवर्नमेंट जॉब। तुम्हें सिस्टमेटिक होना चाहिए, यू शुड बी सिस्टमेटिक। स्टूडेंट्स को पंक्चुअल होना चाहिए, सो स्टूडेंट्स शुड बी पंक्चुअल। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस दोस्तों हम बना सकते हैं इसके साथ। अगर मैं मस्ट बी की बात करूं तो मस्ट बी क्या होगा, आप जरा देखिएगा, मस्ट बी में मतलब होना ही चाहिए या जरूर होना चाहिए या
अवश्य होना चाहिए, ऐसा भी बोल सकते हैं। जैसे तुम्हें इंटेलिजेंट होना ही चाहिए, उसे टीचर होना ही चाहिए, आपको मेहनती होना ही चाहिए, मुझे फ्यूचर के लिए एक्साइटेड होना ही चाहिए, आपको पंक्चुअल होना ही चाहिए, उसे डिसिप्लिन होना ही चाहिए, मुझे देशभक्त होना ही चाहिए, आपको टेंथ क्लास में होना ही चाहिए, उसे क्लास में टॉपर होना ही चाहिए या उसे क्लास में टॉपर ज़रूर होना चाहिए, आपको मोटिवेशनल स्पीकर ज़रूर होना चाहिए, आपको एक इंग्लिश टीचर ज़रूर होना चाहिए, आपको एक अच्छा स्पीकर ज़रूर होना चाहिए, आपको एक स्टंट मास्टर ज़रूर होना चाहिए, जैसे मोहन को एक शिकारी ज़रूर होना चाहिए, मुझे आपका सपोर्टर ज़रूर होना चाहिए या मुझे आपका सपोर्टर होना ही चाहिए। अब जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपका सपोर्टर होना ही चाहिए, सो आई मस्ट बी योर सपोर्टर, आपको मेरा टीचर होना ही चाहिए, यू मस्ट बी माई टीचर, मुझे टैलेंटेड होना ही चाहिए, सो आई मस्ट बी टैलेंटेड, आपको क्लास में टॉपर होना ही चाहिए, सो यू मस्ट बी टॉपर इन द क्लास, हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर होना ही चाहिए, सो वी मस्ट बी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, आपको स्पोकन इंग्लिश एक्सपर्ट होना ही चाहिए, यू मस्ट बी स्पोकन इंग्लिश एक्सपर्ट, हमें कंप्यूटर ऑपरेटर होना ही चाहिए, सो वी मस्ट बी कंप्यूटर ऑपरेटर, हमें अपने फ्यूचर के लिए एक्साइटेड होना ही चाहिए, सो वी मस्ट बी एक्साइटेड फॉर अवर फ्यूचर, आपका फ्यूचर ब्राइट होना ही चाहिए, योर फ्यूचर मस्ट बी ब्राइट, उसे कमरे में होना ही चाहिए, सो ही मस्ट बी इन द रूम, जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होना ही चाहिए, देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, बर्तन में दूध होना ही चाहिए, देयर मस्ट बी मिल्क इन द पॉट, है ना। तो ऐसे भी सेंटेंस हम बना सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ रूम में 40 से ज्यादा स्टूडेंट होने ही चाहिए, देयर मस्ट बी मोर देन 40 स्टूडेंट्स इन द रूम, है ना। अब जैसे मैंने भारत में ईमानदारी होनी ही चाहिए, देयर मस्ट बी ऑनेस्टी इन इंडिया, भारत करप्शन लेस होना ही चाहिए, सो इंडिया मस्ट बी करप्शन लेस, है ना, तुम्हें भ्रष्टाचारी होना ही चाहिए, सो यू मस्ट बी करप्टेड या यू मस्ट बी करप्ट, है ना, तुम्हारा मोबाइल नया होना ही चाहिए, योर मोबाइल मस्ट बी न्यू, है ना, तुम्हारा वीडियो शानदार होना ही चाहिए, योर वीडियो मस्ट बी ऑसम, योर वीडियो मस्ट बी स्टैंडर्ड मतलब शानदार। तो इस तरह के वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे मोहन को खेत में होना ही चाहिए, सो मोहन मस्ट बी इन द फार्म, जैसे हमें हॉस्पिटल में जरूर होना चाहिए, सो वी मस्ट बी इन द हॉस्पिटल। तो हम दोनों तरह के सेंटेंस बना सकते हैं, होना ही चाहिए, जरूर होना चाहिए या अवश्य होना चाहिए। दोस्तों उसी तरह अगर मैं ऑट टू बी की बात करूं तो वो कैसा होगा, इसकी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन इसमें सेंटेंस थोड़े अलग टाइप के आते हैं, इसमें सेंटेंस वो आते हैं जिसमें हम ड्यूटी, मॉरल एजुकेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी, नैतिक शिक्षा, नैतिक बाध्यता, नैतिक दायित्व, है ना, धर्म से संबंधित बातें, शिष्टाचार से संबंधित बातें, अगर ये आती है तो हम लोग वहां पर ऑट टू बी का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमें देशभक्त होना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है हमारे देश के लिए, सो वी ऑट टू बी पैट्रियॉट, पैट्रियॉट मतलब देशभक्त, सो वी ऑट टू बी पैट्रियॉट। हाँ, सोल्जर्स को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, सो सोल्जर्स ऑट टू बी डिसिप्लिन्ड। स्टूडेंट्स को पंक्चुअल होना चाहिए, सो स्टूडेंट्स ऑट टू बी पंक्चुअल। भारतीय नागरिकों को अलर्ट होना चाहिए, इंडियन सिटीजन ऑट टू बी अलर्ट। जैसे लोगों को अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, सो पीपल ऑट टू बी अवेयर। जैसे स्टूडेंट्स को क्लास में होना चाहिए, सो स्टूडेंट्स ought टू बी इन द क्लास। जैसे मैं बोलूँ हम सभी को पोलाइट होना चाहिए, सो वी ऑल ought to be, we all ought to be polite। जैसे हम सभी को एक दूसरे के लिए helpful होना चाहिए, so we ought to be helpful for one another, we ought to be helpful for one another। अगर हम एक से ज़्यादा है तो for one another use करेंगे, अगर हम सिर्फ दो ही लोग हैं तो for each other use करेंगे। आगे जैसे हमें अपने फ्यूचर के प्रति एक्साइटेड होना चाहिए, सो वी ऑट टू बी एक्साइटेड फॉर अवर फ्यूचर। हमें क्यूरियस होना चाहिए, हमें आइंस्टाइन जैसा क्यूरियस होना चाहिए, सो वी ऑट टू बी क्यूरियस लाइक आइंस्टाइन, है ना। दोस्तों अगर हम लोगों को कैन बी इस स्ट्रक्चर को यूज करना है एडवांस टू बी में, तो इसका मतलब होता है हो सकता है, हो सकती है या हो सकते हैं। यह एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को दर्शाता है। जब हमारे सेंटेंस में किसी काम को, सब्जेक्ट कोई एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर को दर्शा रहा हो, या किसी पैशन को दर्शा रहा हो, जुनून को दर्शा रहा हो, तो वहां हम लोग कैन बी का यूज करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, वह डॉक्टर हो सकता है, क्या उसमें पावर है, उसमें ऐसी एबिलिटी है कि वो डॉक्टर हो सकता है, सो ही कैन बी अ डॉक्टर। तो जहां पर एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर शो हो रहा है, जैसे वो एक अच्छा
पॉलिटिशियन हो सकता है, उसमें दम है यार, वो एक अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है, एबिलिटी है उसमें पॉलिटिशियन होने की, सो ही कैन बी अ गुड पॉलिटिशियन। राम ईमानदार हो सकता है, राम कैन बी एन ऑनेस्ट पर्सन, तुम टॉपर हो सकते हो, यू कैन बी टॉपर, वो मेरा फ्रेंड हो सकता है, सो ही कैन बी माई फ्रेंड, हम ईमानदार हो सकते हैं, सो वी कैन बी ऑनेस्ट, वह क्लास में हो सकता है, सो ही कैन बी इन द क्लास, मैं हॉस्पिटल में हो सकता हूँ, सो आई कैन बी इन द हॉस्पिटल, तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हो, सो यू कैन बी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तुम जैसे मैं बोलूँ तुम मेरे कॉम्पिटिटर हो सकते हो, सो यू कैन बी माई कॉम्पिटिटर, मैं तुम्हारा सपोर्टर हो सकता हूँ, सो आई कैन बी योर सपोर्टर, तुम मेरे हेल्पर हो सकते हो, सो यू कैन बी माई हेल्पर, हम एक दूसरे के सपोर्टर हो सकते हैं, सो वी कैन बी सपोर्टर ऑफ वन अनादर, ऐसे बनाएंगे हम लोग दोस्तों। इसी तरह अगर हम लोगों को कुड़बी में बनाना है तो कुड़बी का मतलब भी होता है हो सकता है, ये भी एबिलिटी कैपेसिटी और पावर को प्रेजेंट में शो करता है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि कैन बी है तो ये उसका पास्ट हो जाएगा, नहीं दोस्तों आपको बता दूं कि कुड़बी हम लोग पास्ट में के साथ साथ प्रेजेंट में भी यूज करते हैं। अगर आपने कुड का डिटेल यूज नहीं देखा हो तो सबसे पहले ये जो बेसिक मॉडल्स मैंने पढ़ाए हुए वहां पर कैन और कुड के यूज में जाइए, वहां पर मैंने कुड को डिटेल में समझा हुआ है कि कुड को कब प्रेजेंट में यूज करते हैं और कब पास्ट में यूज करते हैं, वहां पर मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना। सो कुड भी प्रेजेंट में भी यूज होता है और यहां पर उसका यूज प्रेजेंट है। अब जैसे मैंने ना मैं इंजीनियर हो सकता हूं, सो आई कुड बी एन इंजीनियर, तुम ईमानदार हो सकते हो, यू कुड बी ऑनेस्ट, वे एमबीए होल्डर हो सकते हैं, सो दे कुड बी एमबीए होल्डर, मैं एमसीए होल्डर हो सकता हूं, सो आई कुड बी एमसीए होल्डर, वह टेंशन में हो सकता है, सो ही कुड बी इन टेंशन, वे प्रॉब्लम में हो सकते हैं, सो दे कुड बी इन द प्रॉब्लम, हम खंडवा में हो सकते हैं, सो वी कुड बी इन खंडवा, वे मेरे सपोर्टर हो सकते हैं, दे कुड बी माय सपोर्टर, वह बीजेपी कैंडिडेट हो सकता है, सो ही कुड बी बीजेपी कैंडिडेट, वह कांग्रेस प्रवक्ता हो सकता है, सो ही कुड बी कांग्रेस स्पोक्सपर्सन, स्पोक्सपर्सन मतलब प्रवक्ता, सो ही कुड बी कांग्रेस स्पोक्सपर्सन, जैसे वह फूल बेचने वाला हो सकता है, सो ही कुड बी फ्लोरिस्ट मतलब फ्लोरिस्ट, फूल बेचने वाला, जैसे मैं सब्जी बेचने वाला हो सकता हूं, सो आई कुड बी वेजिटेबल सेलर, जैसे हम इंदौर में हो सकते हैं, सो वी कुड बी इन इंदौर, ठीक है। उसी तरह दोस्तों अगर मुझे मेबी का बनाना है, ठीक है, मे बी ठीक, तो इसका मतलब भी होता है हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी को शो करता है, जैसे तुम डॉक्टर हो सकते हो, पॉसिबिलिटी है, तुम डॉक्टर शायद हो सकते हो, शायद लग नहीं रहा क्योंकि तुम कोई पढ़ाई तो करते नहीं हो, है ना, तुम में कुछ ऐसा पढ़ने का जुनून नहीं है, कुछ बनने का जुनून नहीं है, उसको देखकर लगता नहीं है कि तुम डॉक्टर हो सकते हो, शायद तुम डॉक्टर हो सकते हो, शायद अदरा सेंस समझना, तुम शायद डॉक्टर हो सकते हो, शायद तुम डॉक्टर हो सकते हो, यू मे बी अ डॉक्टर, शायद वाला सेंस आता है तो हम लोग लगाते हैं मैं भी, वो ईमानदार हो सकता है, सो ही मे बी, अब मैं हर सेंटेंस में शायद नहीं बोलूंगा दोस्तों, है ना, बस आप समझ जाइएगा कि शायद वाला ही सेंस होगा, वह डॉक्टर हो सकता है, सो ही मे बी डॉक्टर, राम ईमानदार हो सकता है, राम मे बी ऑनेस्ट, वह खेत में हो सकता है, शायद वो खेत में हो सकता है, ही मे बी इन द फार्म, शायद मोहन हॉस्पिटल में हो सकता है, सो मोहन मे बी इन द हॉस्पिटल, शायद मैं फ्यूचर के प्रति एक्साइटेड हो सकता हूं, सो आई मे बी एक्साइटेड अबाउट फ्यूचर या टुवर्ड्स फ्यूचर, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, शायद योर फ्यूचर मे बी ब्राइट, तुम्हारा भाई टेंशन में हो सकता है, योर ब्रदर मे बी इन टेंशन, मैं प्रॉब्लम में हो सकता हूं, सो आई मे बी इन प्रॉब्लम, वह इंग्लिश कोचिंग हो सकती है, दैट मे बी इंग्लिश कोचिंग, क्या बोला मैंने, That may be English coaching. यह government hospital हो सकता है. So it may be government hospital. यह तुम्हारा mobile हो सकता है. तो this may be your mobile. ऐसे हम लोग बना सकते हैं. Class में 50 student हो सकते हैं. So there may be 50 student in the class. सौर मंडल में 30 से ज्यादा ग्रह हो सकते हैं. So it या हम बोलेंगे there may be more than 40 या 50 जो भी हमने बोला 50 से ज्यादा ग्रह हो सकते हैं. So हम बोलते हैं there may be 50 more than 50 planets in the solar system. भारत में 135 करोड़ से ज्यादा लोग हो सकते हैं. So there may be 135 crore people more than. So there may be more than 135 crore people in India. जैसे भारत में बहुत सारे धर्म हो सकते हैं. So there may be many religions in India. Class में बहुत सारे topper हो सकते हैं. So there may be many toppers in the class. A lot of toppers in the class. हम लोग बना सकते हैं. उसी तरह दोस्तों आप नीचे देखेंगे subject might be then object हो सकता है. ये भी present में ही use करते हैं. आप ये मत सोचिएगा अगर ये मे है और ये माइट है तो माइट पास्ट हो जाता है. माइट पास्ट नहीं, वो भी प्रेजेंट है. अगर आपने बेसिक मॉडल सीरीज में मे और माइट का यूज नहीं देखा तो उसको देखिएगा जरूर, आपको मे और माइट पूरा क्लियर हो जाएगा कि माइट का यूज कब प्रेजेंट में किया जाता है और माइट का यूज कब पास्ट में किया जाता है, दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी आप लोगों को. तो सब्जेक्ट माइट भी, अगर मैं डॉक्टर हो सकता हूं, शायद ही हो सकता हूं. अब देखो जब हम मे वाला बनाने की कोशिश कर
करेंगे तो वहां यूज करते हैं शायद, और जब माइट वाला बनाने की कोशिश करते हैं, माइट वाला तभी बनाते हैं जब हम वहां पर यूज करते हैं शायद ही। देखो, तुम शायद डॉक्टर हो सकते हो, शायद तुम डॉक्टर हो सकते हो, तो यू मे बी अ डॉक्टर, तुम शायद ही डॉक्टर हो सकते हो, ना के बराबर पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी तो है पर ना के बराबर, सो यू माइट बी अ डॉक्टर। वह शायद कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकता है, सो ही मे बी कंप्यूटर ऑपरेटर, वह शायद ही कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकता है, सो ही माइट बी अ कंप्यूटर ऑपरेटर, अ कंप्यूटर ऑपरेटर। जैसे तुम्हारा दोस्त शायद इंजीनियर हो सकता है, योर फ्रेंड मे बी एन इंजीनियर, तुम्हारा दोस्त शायद ही इंजीनियर हो सकता है, योर फ्रेंड माइट बी एन इंजीनियर। जैसे मैं तुम्हारा टीचर हो सकता हूँ शायद, सो आई मे बी योर टीचर, मैं शायद ही तुम्हारा टीचर हो सकता हूँ, सो आई माइट बी योर टीचर। क्लास में शायद ही 50 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, सो देयर माइट बी 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। हाँ, इंडिया में शायद ही बेरोजगारी, इंडिया शायद ही करप्शन लेस हो सकता है, सो इंडिया माइट बी करप्शन लेस, शायद ही इंडिया माइट बी करप्शन लेस। भारत शायद ही सोने की चिड़िया बन सकता है, तो हम बोल सकते हैं इंडिया माइट बी अ गोल्डन स्पैरो, इंडिया माइट बी अ गोल्डन स्पैरो। तो दोस्तों, यहां पर मैंने एडवांस टू भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की। अब मैंने इसमें आप लोगों को सिंपल सेंटेंसेस समझाए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं पूरों को एक बार बोल देता हूं, जितने भी मैंने समझाया ना। जैसे मुझे डॉक्टर होना चाहिए, सो आई शुड बी अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर जरूर होना चाहिए, सो आई मस्ट बी अ डॉक्टर। अब मुझे देशभक्त होना चाहिए, मेरी ड्यूटी है मेरे देश के लिए, सर आई ऑट टू बी अ पैट्रियॉट। ठीक है, मैं डॉक्टर हो सकता हूँ, अब डॉक्टर पे वापस आ जाता हूँ, मैं डॉक्टर हो सकता हूँ, सो आई कैन बी अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर हो सकता हूँ, आई कुड बी अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर शायद हो सकता हूँ, सो आई मे बी अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर शायद ही हो सकता हूँ, सो आई माइट बी अ डॉक्टर। जैसे वह हॉस्पिटल में, उसे हॉस्पिटल में होना चाहिए, सो ही शुड बी इन द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल में ज़रूर होना चाहिए, सो ही मस्ट बी इन द हॉस्पिटल। अब इसके लिए स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन होना चाहिए, सो स्टूडेंट्स ऑट टू बी डिसिप्लिन्ड, सेंटेंस अलग आएगा क्योंकि उसमें ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं, सो स्टूडेंट्स ऑट टू बी पंक्चुअल रिस्पॉन्सिबल डिसिप्लिन, जो भी आपको बनाना है ना। जैसे वह हॉस्पिटल में हो सकती है, या वह हॉस्पिटल में हो सकता है, सो ही कैन बी इन द हॉस्पिटल। वह हॉस्पिटल में हो सकता है, कुड वाले सेंस में, सो ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। वह शायद हॉस्पिटल में हो सकता है, सो ही मे बी इन द हॉस्पिटल। वह शायद ही हॉस्पिटल में हो सकता है, सो ही माइट बी इन द हॉस्पिटल। तो ऐसे सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं, ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो गए। हम इसमें देयर का यूज भी कर सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल क्लास में 50 स्टूडेंट होना चाहिए, सो देयर शुड बी 50 स्टूडेंट इन द क्लास। क्लास में 50 स्टूडेंट जरूर होना चाहिए, देयर मस्ट बी 50 स्टूडेंट इन द क्लास। या फिर अभी मुझे ऐसा बोलना है कि इंडिया में ईमानदारी होनी चाहिए, ये इंडिया की ड्यूटी है, सो देयर ऑट टू बी ऑनेस्टी इन इंडिया, देयर ऑट टू बी ऑनेस्टी इन इंडिया। जैसे इंडिया में ईमानदारी हो सकती है, सो देयर कैन बी ऑनेस्टी इन इंडिया, इंडिया में ईमानदारी हो सकती है, देयर कुड बी ऑनेस्टी इन इंडिया। इंडिया में शायद ईमानदारी हो सकती है, सो देयर मे बी ऑनेस्टी इन इंडिया, इंडिया में शायद ही ईमानदारी हो सकती है, सो देयर माइट बी ऑनेस्टी इन इंडिया। ठीक है ना। अब जैसे बात करने की कोशिश करो, तुम्हें अमीर होना चाहिए, सो यू शुड बी रिच, तुम्हें अमीर जरूर होना चाहिए, यू मस्ट बी रिच। ठीक है ना। जैसे अब इसमें तो बनेगा नहीं, स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन होना चाहिए, स्टूडेंट्स ऑट टू बी डिसिप्लिन। ठीक है, तुम अमीर हो सकते हो, सो यू कैन बी रिच, तुम अमीर हो सकते हो, पास्ट की बात, ये पास्ट की बोल रहा हूँ, कुड की बात करूँ, सो यू कुड बी रिच, तुम शायद अमीर हो सकते हो, यू मे बी रिच, तुम शायद ही अमीर हो सकते हो, यू माइट बी रिच। ठीक है, अगर आप इट का यूज करें, जस्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँ यह मोबाइल तुम्हारा होना चाहिए, तो दिस मोबाइल शुड बी योर्स। क्या बोला मैंने, यह मोबाइल तुम्हारा होना चाहिए, दिस मोबाइल शुड बी योर्स, यह मोबाइल तुम्हारा जरूर होना चाहिए, दिस मोबाइल मस्ट बी योर्स, दिस मोबाइल मस्ट बी योर्स। है ना। इंडिया आजाद होना चाहिए, इंडिया ऑट टू बी फ्री। क्या बोला मैंने, इंडिया ऑट टू बी फ्री। देखो मैं ऑट टू में वही सेंटेंस बना रहा हूँ जो वहां पर मैच हो सकते हैं, सो इंडिया ऑट टू बी फ्री। है ना। अब जैसे मैंने बोला यह मोबाइल तुम्हारा हो सकता है, सो दिस मोबाइल कैन बी योर्स, यह मोबाइल तुम्हारा हो सकता है, दिस मोबाइल कुड बी योर्स, शायद यह मोबाइल तुम्हारा हो सकता है, सो दिस मोबाइल मे बी योर्स, शायद ही यह मोबाइल तुम्हारा हो सकता है, तो दिस मोबाइल माइट बी योर्स। तो ऐसे सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एडवांस वर्ब ऑफ टू बी, मैं जो मैंने प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर समझाया जाए, शुड बी, मस्ट बी, ऑट टू बी, कैन बी, कुड बी, मे बी और माइट बी, ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लेकिन अगर आप इसके पास्ट एक वीडियो में समझना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर बनाने जा रहा हूं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।